हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ मनी इज प्रिंटेड इन इंडिया, मतलब कि इंडिया में पैसा कैसे छापा जाता है। बहुतों के मन में गलत नोशन है कि हमारा आरबीआई का तिजोरी में या गवर्नमेंट का तिजोरी में गोल्ड रखा रहता है, उस गोल्ड के हिसाब से हम लोग करेंसी 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 10 रुपीज़, 500 रुपीज़, 2000 रुपीज़ का नोट छापते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गवर्नमेंट अपना मर्जी के हिसाब से नोट छापता है। उसको ज़्यादा हुआ, सपोज़ 1 लाख करोड़ रुपए छापने हैं, वो कैसे भी करके छपवा देगा, हमारे पास गोल्ड हो या ना हो। ये सिस्टम बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। तो चलिए, इतना सब डिटेल में जाने से पहले हम शुरू से शुरू करते हैं कि मनी का स्टार्टिंग ओरिजिन, मनी कैसे शुरू हुई थी। तो सबसे पहले जो लेन देन होता था, जो ट्रांजेक्शन होता था, वो बार्टर सिस्टम से होता था। बार्टर मतलब वस्तु विनिमय। मेरे को टमाटर चाहिए, टोमेटोज चाहिए मेरे को, आपके पास पोटैटो है, तो मैं आपको 1 किलो टमाटर दूंगा, आप मेरे को 2 किलो आलू देंगे, जो भी रेट चल रहा है। मेरे को मैंगो चाहिए, किसी के पास मैंगो है 500 ग्राम्स, तो मैं उसको 1 kg टोमेटो दूंगा, वो मेरे को 500 ग्राम्स मैंगो देगा। मेरे को वीट चाहिए, मेरे पास टोमेटो है, तो मेरे को 2 kg वीट देगा, मैं उसको 1 kg टोमेटो दूंगा। मेरे को मोबाइल फ़ोन चाहिए, मेरे को 1 मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो मैं उसको 100 kg टोमेटो दूंगा, वो मेरे को 1 मोबाइल फ़ोन देगा। मेरे को एरोप्लेन चाहिए। तो समझ रहे आप कितना डिफिकल्ट हो जाएगा एक टाइम के बाद में। पहला चीज़, आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ बांट्स होना चाहिए, मतलब कि मेरे को ऐसा, मेरे पास टमाटर है, मेरे को आलू चाहिए, तो मेरे को ऐसा आदमी मिलना चाहिए जिसके पास आलू हों और उसको बदले में टमाटर चाहिए। हो सकता है मेरे को 5 आदमी ऐसे मिले जिसको जिसके पास आलू हो, लेकिन एक को आम चाहिए, एक को गेहूं चाहिए, एक को मोबाइल फ़ोन चाहिए, एक को कार चाहिए, एक को एरोप्लेन चाहिए, तो मेरे को कोई भी काम करनी है ना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डबल क्वांटिटी ऑफ बॉन्ड। दूसरा, पेरिशेबल कमोडिटीज। कितना दिन तक आप टमाटर लेके घूमोगे? जब तक आपको बायर नहीं मिलता तब तक आप लेके घूम सकते हो क्या? तीसरा है आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। आदमी को ढूंढने का ही कॉस्ट उतना हो जाएगा कि आप ट्रांजेक्शन में कुछ बचेगा ही नहीं आपके पास। तो ये आपका बार्टर सिस्टम हो गया। बार्टर सिस्टम के बाद नेक्स्ट आपके पास आता है कमोडिटी मनी। कमोडिटी मनी मतलब पहले कोकोआ बीन्स, जो कॉफ़ी के बीज होते हैं, उसको करेंसी की तरह यूज़ करते थे। उसके बाद गोल्ड नगेट्स, गोल्ड के छोटे छोटे नगेट्स होते हैं ना, बिंदु टाइप, उसको करेंसी की तरह यूज़ करते थे। काउरी शेल्स, जो शंख होते हैं, सी शेल, समुद्र में मिलने वाले शंख, उनको करेंसी की तरह यूज़ करते थे। तो वो सब कमोडिटी मनी। कमोडिटी मतलब कोई भी एक वस्तु जिसको आप करेंसी की तरह यूज़ कर सकते हो। सपोज 100 कोकोआ बीन्स मतलब एक बुक, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आया मेटालिक मनी। कमोडिटी मनी में क्या दिक्कत थी? कोकोआ बीन्स हो सकता है कि अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन हो सकता है चाइना के लोग को चाय पसंद है, वो कॉफ़ी पीते ही नहीं, तो इसके लिए उसको भी डबल कोइंसिडेंस वॉन्ट चाहिए था, यूनिवर्सल करेंसी नहीं हो सकता था वो। नेक्स्ट आया मेटालिक मनी। मेटालिक मनी मतलब गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन, कॉपर कॉइन। इसमें ठीक है, मेरे को हो सकता है कि मैं इंडिया का आदमी हूँ, मेरे को ट्रेड करना है चाइना वाले के साथ, हो सकता है इंडिया के जिस किंग ने वो कॉइन इशू किए हों, चाइना वाला उसको नहीं मानता हो, चाइना वाला उसको एक्सेप्ट ना करे, बट वो गोल्ड को तो मानेगा ना, गोल्ड तो प्रेशियस मेटल है, गोल्ड को पिघला के वो गोल्ड बना के, गोल्ड का कुछ भी बना के बेचेगा नहीं, तो गोल्ड को बेच लेगा, तो मेटालिक मनी का वैल्यू ज़्यादा था। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। सपोज कोई किंग है, उसका ट्रेड कम हो गया तो क्वालिटी कम हो गया, क्वालिटी कम हो गया तो मार्केट में 2 तरह के कॉइन चल रहे, एक अच्छी क्वालिटी वाले गुड और एक बुरी क्वालिटी वाले बैड। तो धीरे धीरे बैड क्वालिटी कॉइन्स विल ओवर पावर गुड क्वालिटी कॉइन। गुड क्वालिटी कॉइन कोई यूज नहीं करेगा ट्रांजेक्शन में, सब स्टोर करके रखेंगे अपने पास। तो इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आई। उसके बाद आई पेपर करेंसी। पेपर करेंसी मतलब नोट। मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, मतलब उसकी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है। इससे पहले आप देखो बार्टर, कमोडिटी, मेटालिक में ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाली मनी थी, मतलब कि खुद जो करेंसी है उसका खुद का वैल्यू है। लेकिन इसके बाद जितनी भी करेंसी आएंगी उसमें करेंसी का खुद का वैल्यू नहीं है, तो
मतलब कि आप किसी के प्रॉमिस पे, वादे पे भरोसा करके ट्रांजेक्शन कर रहे हो कि हाँ अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं उसके पास जाके उतना कीमत का सोना, उतना कीमत का कुछ भी ले लूँगा, उतना कीमत मेरे को मिल जाएगी। तो ये पेपर करेंसी है। लेकिन पेपर करेंसी में क्या प्रॉब्लम आई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, पेपर करेंसी को प्रिंटिंग के लिए बहुत पैसे लगते हैं। अभी आपने देखा जो हमारा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद RBI ने भर भर के मतलब 10,000 टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ खाली प्रिंटिंग में उन्होंने पैसा खर्च किया। उसके बाद काउंटर फिटिंग का मतलब नकली जाली नोट बनाने का खर्चा रहता है। उसके बाद आपका एक टाइम के बाद डैमेज हो जाएगा तो उसको बदलवाने जाओ, वो प्रॉब्लम है। तो ये सब इश्यूज था। तो आपको उसके बाद ये सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए आया डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी मतलब आपका प्रिंटिंग कॉस्ट खत्म, काउंटर फिटिंग है चांसेस लेकिन कम हो गए कंपेयर टू। लेकिन उसके बाद भी मनी में सबसे बड़ा इशू आया, क्या कोई भी गवर्नमेंट अपना मर्जी के हिसाब से दे दनादन नोट छाप दे तो क्या होगा, अल्टीमेटली करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी तो क्या होगा, लोगों की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो उसको सोचते हुए, इस पॉइंट को सोचते हुए कुछ एनार्किस्ट ग्रुप्स ने, एनार्किस्ट मतलब अशासनवादी ग्रुप जो सरकार में भरोसा नहीं करते, उन्होंने इजाद किया क्रिप्टो करेंसी। फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो बनी कौन है, बिटकॉइन। आई एम डैम श्योर आपने नाम सुन के रखा होगा बिटकॉइन। इसका मेन पर्पस क्या था, ये डिसेंट्रलाइज करेंसी है, मतलब कि कोई भी एक गवर्नमेंट या कोई भी एक ग्रुप इसको नहीं बना सकता। ये फिक्स नंबर है, ऐसा नहीं है कि आज आपका मन किया आपने 1,00,000 करोड़ रुपए छाप दिए। ये फिक्स नंबर है। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, 21 मिलियन बिटकॉइंस आर देयर। चाहे कोई भी आ जाए इसको चेंज नहीं कर सकता कि 21 मिलियन से 21.1 भी हो जाए। ये 21 मिलियन फिक्स है। जिस दिन इतना माइनिंग हो जाएगा, जिस दिन इतना छाप लेंगे उस दिन बिटकॉइन और मिलना बंद हो जाएगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, डिवेल्यूएशन ऑफ करेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक आप इतना ही ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट में हम आते हैं। तो अभी तक हमने समझ लिया मनी का इवोल्यूशन। इवोल्यूशन समझने के बाद में कौन क्या प्रिंट करता है, उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, RBI। RBI क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। RBI की बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक असेट साइड एक लायबिलिटी साइड। मैं पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ वो मेरा एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। असेट्स मतलब पूंजी, लायबिलिटी मतलब देयता। असेट्स मतलब संपत्ति, लायबिलिटी मतलब जवाबदेही, मतलब जिसको आपको पे करना बाकी है अभी। तो RBI का क्या काम होता है, RBI नोट्स, करेंसी नोट्स को मार्केट में सर्कुलेट करता है। लेकिन RBI को करेंसी नोट्स छापने के लिए, RBI पैसा छापता है, RBI को पैसा छापने के लिए RBI एक्ट में कंडीशन है कि आपके पास तिजोरी में उतनी ही वैल्यू का कोई असेट होना चाहिए, उसी के बाद जाके आप कुछ भी नोट को प्रिंट कर सकते हैं। सपोज RBI को 100 रुपीज का नोट छापना है, तो उसके लिए सबसे पहले RBI एक्ट RBI को पूछेगा कि भाई तेरे पास 100 रुपीज का पहले से, सपोज मैं बात कर रहा हूँ 1 जनवरी 2023 को RBI का कुछ बैलेंस शीट होगा। बैलेंस शीट मतलब 10,00,000 करोड़ रुपीस इसके पास असेट्स में, 10,00,000 करोड़ रुपीस इसके पास लायबिलिटीज में है। असेट्स इसके क्या क्या हो सकता है, RBI के पास गोल्ड हो सकता है, RBI के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, RBI के पास फॉरेन करेंसी हो सकती है, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। मेनली अभी हम 3 चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो हो सकता है 10,00,000 करोड़ के RBI के पास सोना हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल हो, फॉरेन करेंसी हो, फॉरेन करेंसी मतलब डॉलर, युआन, रेनमिनबी वगैरह वगैरह वगैरह। नेक्स्ट लायबिलिटी में RBI के पास क्या होता है, लायबिलिटी मतलब RBI ने जो भी करेंसी नोट प्रिंट किए और मार्केट में सर्कुलेट किए, ऑलरेडी जो मार्केट में सर्कुलेशन में है। उसके बाद कॉइन्स वगैरह। कॉइन्स में हालांकि डिबेट होता है कि लायबिलिटी मानेंगे कि असेट मानेंगे, क्योंकि कॉइन्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करती है जबकि नोट्स को RBI प्रिंट करता है। 1 रुपी नोट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करेगी, लेकिन बाकी सारे नोट्स को आरबीआई प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे हम उसको लाइब्रेरी भी मानते हैं, ठीक है, आरबीआई ने सर्कुलेट किया है तो कॉइन्स भी इसी के रहेंगे। उसके बाद आरबीआई ने किसी से रेपो में आरबीआई ने रिवर्स रेपो में जो पैसा आपने बात रखा है वो भी उसकी लाइबिलिटी, क्योंकि उसको चुकाना है। रेपो में जो उसने पैसा लिया है वो असेट में रहेगा। तो ठीक है, 1 जनवरी 2023 को 10 लाख करोड़ के पास असेट थे, 10 लाख करोड़ के पास लाइबिलिटी थी। अब 2 जनवरी 2023 को सपोज आरबीआई को चुल उठी कि मेरे को 100 रुपये और छापने हैं, मेरे को 100 रुपये और छापने, तो उसके लिए क्या चाहिए? आरबीआई एक्ट पूछेगा, तुम 10 लाख करोड़ 100 रुपये की तुम्हारे पास असेट है कि नहीं है? बोलेगा नहीं, मेरे पास तो 10 लाख करोड़ का ही असेट है। तो आरबीआई एक्ट बोलेगा नहीं, मैं तुमको नहीं छापने दूंगा, तुम 100 रुपये का असेट लेके आओ। तो असेट लेके आओ मतलब या तो गोल्ड लेके आओ, नहीं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेके आओ, नहीं तो डॉलर लेके आओ, नहीं तो कुछ भी लेके आओ। तो ईजीएस्ट वे क्या होगा, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहेगा कि आप मेरे को 100 रुपये का गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करके दे दो। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब एक तरह का बॉन्ड होता है, बॉन्ड मतलब कंपनी मार्केट से लोन में पैसा उठाने के लिए बॉन्ड इशू करता है, 1 ईयर का, 3 ईयर्स का, 5 ईयर्स का। सिमिलरली गवर्नमेंट मार्केट से लोन में पैसा उठाने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करेगा। अब नरेंद्र मोदी तो घर घर जाएंगे नहीं कि तुम मेरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लो, मेरे को पैसा दे दो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटी से देता है, तुम इसको मार्केट में सर्कुलेट करो और हमको पैसा दे दो। सपोज इसने 100 रुपये का गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किया तो आरबीआई इसको इमीडिएटली 100 रुपये दे देगा। उसके बाद आरबीआई मार्केट में इसको बेचने जाएगा। तो आरबीआई ने जो इसको इमीडिएटली 100 रुपये दिए तो वो कैसे देगा? गवर्नमेंट ने इसको 100 रुपये की गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रिंट करके दी, इसने इमीडिएटली 100 रुपये प्रिंट कर दिए, प्रिंट करके इसने गवर्नमेंट को दे दिए, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दी, इसने जाके मार्केट में सेल करना शुरू की। एसबीआई ने 10 रुपये ले लिए, आईसीआईसीआई ने 5 रुपये ले लिए और एचडीएफसी ने सपोज और 5 रुपये ले लिए, तो बचे 80 रुपीज़ इसने अपने एसेट डिपार्टमेंट में रख दी। समझ में आई बात कैसे प्रिंट करते हैं? तो गोल्ड आपके पास लिमिटेड क्वांटिटी में है, अगर आप गोल्ड को बैक करके करेंसी प्रिंट कर रहे हो तो ठीक है, कोई कंट्रोल है आपके ऊपर। लेकिन जिस दिन आपने गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म कर दिया, जिस दिन आपने बोला कि हाँ भाई मैं 100 रुपये की आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी दूंगा, आप मेरे को 100 रुपये प्रिंट करके दे दो, तो आप 100 रुपये भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर सकते हो, 100 करोड़ की गवर्नमेंट इशू सिक्योरिटी भी इशू करते हो, 100 लाख करोड़ की भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए मैं क्रिप्टो करेंसी में आपको बता रहा था ना, गवर्नमेंट का जितना मन होगा वो उतना करेंसी प्रिंट करेगी। गवर्नमेंट जितना करेंसी प्रिंट करेगी आपकी करेंसी की वैल्यू उतनी डाउन होती जाएगी। बात समझ में आई? हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कौन क्या प्रिंट करता है? मैंने आपको बताया कॉइनेज एक्ट ऑफ इंडिया में कॉइन्स को प्रिंट करता है, कॉइन्स एंड रुपी वन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1 रुपी नोट पे किसके साइन होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर के नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी के। बाकी सारे नोट्स कौन प्रिंट करता है? आरबीआई प्रिंट करता है। और आरबीआई नोट पर किसके साइन होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। सारे नोट्स पर किसके साइन होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। उसके बाद अभी रिसेंटली एक और चीज़ आई है जिसको बोलते हैं सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इंडिया में जिसका नाम है डिजिटल रूपी। इसको लोग ई रूपी के साथ कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूँ बिल्कुल नहीं करना है। डिजिटल करेंसी का सिंबल कुछ ऐसा है ई रूपी जैसा, आप हो सकता है समझ लें। इसमें दो है, ई रूपी रिटेल, ई रूपी होलसेल। रिटेल और होलसेल के लिए अलग अलग से आया है, बट इसको ई रूपी नहीं बोलेंगे, इसको डिजिटल रूपी बोलेंगे। ई रूपी एक अलग चीज़ है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, टारगेटेड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए हम ई रूपी का यूज़ करते हैं। बाकी डिजिटल रूपी हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल करेंसी से कैसे अलग है? तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में कैश के फीचर्स हैं, जबकि डिजिटल करेंसी पूरा कैशलेस है। आप सपोज आपके पास बैंक अकाउंट में 1000 रुपीज़ है, तो आप 1000 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट में रहेंगे, आपको किसी को पे करना है पे करिए, अदरवाइज जब तक आपके बैंक में रहेंगे इंटरेस्ट कमाते रहेंगे। लेकिन सपोज़ आपके पास 1000 रुपीज़ कैश है तो वो तो कुछ भी इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहा है ना। सिमिलरली सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में आपको एक वॉलेट मिलेगा, वॉलेट में अगर आपने 1000 रुपीज़ ले लिए तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। प्लस जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, सपोज पेटीएम से आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, सबसे पहले आपके अकाउंट से
डेबिट हुआ, कटा पैसा, उसके बाद आपके बैंक के पास मैसेज गया कि हाँ भाई इसके अकाउंट से पैसा काटो, बैंक टू रेसिपिएंट का जो बैंक है उसके बैंक को मैसेज गया, उसके बैंक में पैसे गए, जो सेलर है जिसने आपको सामान बेचा जिसको आप पैसा दे रहे हैं सेलर के अकाउंट में पैसा क्रेडिट हुआ, उसको मैसेज आया। तो बीच में जो बैंक का इंटरमीडिएशन आया ये सीबीडीसी में नहीं है। सीबीडीसी में वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र है। सपोज़ पर्सन वन पर्सन टू, पर्सन वन के सीबीडीसी वॉलेट में कुछ 1000 रुपीज़ है, इसको दूसरे आदमी को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो विदाउट बैंक इंटरमीडिएशन ही कैन ट्रांसफ़र द मनी। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट, अब लास्ट टॉपिक आज के लिए, व्हाट इज़ लीगल टेंडर। लीगल टेंडर से पहले हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं फियाट मनी। फियाट मनी की दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेदर इट इज इशूड बाई गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, एंड इट इज इन फॉर्म ऑफ कॉइन, नोट और करेंसी, एनी अदर करेंसी। अगर ये दोनों कंडीशन कोई फुलफिल कर रहा है तो दिट इज कॉल्ड फियाट मनी। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो तीन एग्जाम्पल आपको कर लेता हूँ, डॉलर, इंडियन रूपी, बिटकॉइन। ठीक है, तीन एग्जाम्पल लेते हैं। डॉलर इज इट इन द फॉर्म, और एक और ले लेते हैं हम, ठीक है तीन ही सफिशेंट है। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, नोट, करेंसी। ठीक है, डॉलर तो नोट की फॉर्म में, करेंसी की फॉर्म में। इज इट इशूड बाई गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, यस, डॉलर इशूड बाई सेंट्रल बैंक ऑफ USA। इसमें ही नहीं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोल के नहीं बोल रहा, किसी भी सेंट्रल बैंक, किसी भी गवर्नमेंट का। इंडियन रुपी, इज इट इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, नोट, यस। इज इट इशूड बाई गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, यस, गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देन बिटकॉइन, इज इट इन द फॉर्म ऑफ कॉइन, नोट, करेंसी, यस इट इज़ अ करेंसी। इज इट इशूड बाई गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, नो। इज इट इशूड बाई प्राइवेट सम पर्सन, इशूड बाई प्राइवेट पर्सन। तो बिटकॉइन इज नॉट अ फियाट मनी, डॉलर इज ए फियाट मनी, रुपी इज ए फियाट मनी। नेक्स्ट, अब फियाट मनी से भी एक स्टेप ऊपर आता है लीगल टेंडर। इट मस्ट बी फियाट मनी प्लस नो पर्सन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट इट। आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो वो उसको मना करने के लिए मना नहीं कर सकता, वो मना नहीं करने के लिए बाध्य है, तो इसको बोलेंगे लीगल टेंडर। फॉर एग्जांपल, मैं 100 रुपीज़ का नोट एक शॉपकीपर को दे रहा हूँ, मैंने उसे 50 रुपीज़ का कुछ खरीदा, मैं उसको 100 रुपीज़ का नोट दे रहा हूँ, तो शॉपकीपर मेरे को, नहीं मेरे को 100 रुपीज़ का नोट नहीं चाहिए, मेरे को 50 रुपीज़ का नोट दो, 50 रुपीज़ के दो नोट दो, बोल के वो नहीं बोल सकता। लेकिन वहीं पे अगर सपोज $1 इक्वल्स टू 100 रुपीज़, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं उसको $1 दे रहा हूँ तो वो मना कर सकता है, नहीं नहीं मेरे को डॉलर में नहीं चाहिए, मेरे को रुपी में चाहिए। क्यों? रुपी इज लीगल टेंडर इन इंडिया व्हाइल डॉलर इज नॉट। आई होप आपको ये बात समझ में आई फियाट मनी और लीगल टेंडर की। ठीक है, तो अभी एक और कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट, लिमिटेड लीगल टेंडर, अनलिमिटेड लीगल टेंडर। जैसा मैंने अभी बताया कि आप किसी को पे कर रहे हैं उसमें वो मना कर सकता है, नहीं कर सकता। तो हमारे जितने भी करेंसी नोट हैं एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, वो सारे अनलिमिटेड लीगल टेंडर हैं। मतलब आप भले 1 लाख रुपये का भी सामान खरीदो और उसको 10 रुपीज़ नोट में पे करो तो वो मना नहीं कर सकता आपको। हाँ, इनकन्वीनियंस होते हैं तो रिक्वेस्ट कर सकता है, बट लीगली ही कैन नॉट रिफ्यूज़। लेकिन अगर आप उसको 1 लाख रुपये का सामान खरीदो 1-1 रुपये के सिक्के देके, तो ऑफकोर्स वो रिफ्यूज़ करेगा, उसको अनकन्वीनियंस होगा उसके लिए। तो जितने भी हमारे कॉइन्स एंड रुपी वन, ये लिमिटेड लीगल टेंडर है। आप 50, अभी आपको पता है हमारा कितना लीगल टेंडर है इंडिया में, 50 पैसा मिनिमम लीगल टेंडर है, 50 पैसा के ऊपर सारे लीगल टेंडर है। 50 पैसा इज लीगल टेंडर, 1 रुपीज़ लीगल टेंडर, 2 रुपीज़ लीगल टेंडर। तो जितने भी कॉइन्स है, कॉइन से मैक्सिमम आप 1000 रुपीज़ तक का पेमेंट कर सकते हैं, 50 पैसे के कॉइन से आप मैक्सिमम 10 रुपीज़ तक का पेमेंट कर सकते हैं, 1 रुपी के नोट से आप 1000 रुपीज़ का पेमेंट कर सकते हैं। तो आई होप ये लिमिटेड अनलिमिटेड लीगल टेंडर की बात आपको समझ में आ गई होगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।